अगर खुला होगा तो जाएंगे अंदर। लग रहा हो भाई आज तो लग रहा है इसका एक छोटा वाला गेट खुला हुआ है और हम जा सकते हैं। ऐसे कुछ बनाई है शायद 1884 वगैरह में, और ऐसा साइड से दिखता है, ये वाला व्यू दिखता है। इधर से निकल सकते हैं और इधर से निकल सकते हैं। अच्छा आज संडे है तो आज भीड़ भी ठीक है थोड़ी बहुत यहाँ पर। हे हाय हेलो, आज इनकी हेड पता नहीं कहाँ है, ये कुछ तौल के कुछ दे रही हैं। ये बाहर का कुछ नज़ारा और ये सामने चर्च। मैं ऐसी मैप में से उठा ले रहा हूँ कुछ भी और कहीं भी घूमने के लिए निकल जा रहा हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। ओ भाई इधर तो इस साइड से जाना पड़ेगा, इधर तो गंदा गीला है। बेबी हो केयर अनुस्केयर। चलो इधर इधर से नहीं, चर्च का नज़ारा देखते हैं सुबह सुबह। आज ठीक है, अच्छा अच्छा मौसम है, आज हवा नहीं चल रही आज, और हवा भी नहीं चल रही है और धूप भी निकली हुई है, बादल ऊपर है बहुत हल्के हल्के, मतलब ठीक ठाक है। आज लास्ट दिन अच्छी तरीके से घूम लेते हैं शाम तक, और उसके बाद फिर कल शाम की फ्लाइट है तो फिर दोपहर को टाइम से निकल जाएंगे 1-2 बजे। भाई सुबह सुबह यहाँ तो पार्किंग में गाड़ियाँ लगा रखी हैं और लोग आज तो ऊपर भी चढ़े हुए हैं इसके। खुला है क्या ये भाई? कुछ लग रहा है कि ऐसा है, खुला संडे है आज। अगर खुला होगा तो जाएंगे अंदर। लग रहा हो भाई आज तो लग रहा है इसका एक छोटा वाला गेट खुला हुआ है और हम जा सकते हैं शायद। अगर जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इसके अंदर तो जाना बनता है भाई। मैं 4-5 दिन से यहाँ पर हूँ, एक दिन नहीं गया। आज ये खुला है, खुला है तो चलते हैं। दोनों साइड से खुला है, फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं या नहीं खींच सकते बता नहीं, अंदर की साइड। बहुत प्यारा दिख रहा है भाई ये, शायद प्रे वगैरह कुछ चल रही है अंदर, हो सकता है आई थिंक प्रे हो। अच्छा लोग इधर से जा रहे हैं, इधर से भी जा सकते हैं क्या पता नहीं, देखते हैं इस साइड से जाते हैं। मुझे लग रहा है अंदर प्रेयर चल रही है, अभी तक तो इन्होंने बंद किया हुआ था ये। हाँ प्रे चल रही है, मैं चुप रहूँगा यहाँ पे। अच्छा तो आज संडे था इसीलिए प्रेयर थी, अब प्रेयर हो गई ख़त्म, इसीलिए क्यों कुछ तो चल रहा था वहाँ पर। देखते आगे चलते हैं, लोग पहले निकल जाएं उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे तक चलेंगे, सब फोटो वगैरह खींच रहे हैं।
आप डोनेशन वगैरह भी आप डाल सकते हो। बहुत बड़ा चर्च, ये तो शायद मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा चर्च पहली बार ही देखा है। कन्याकुमारी गया था, वहाँ पर भी था, बहुत अच्छा खूबसूरत था। तो इसका आधा लगा लीजिए, वो लाइटें बंद कर दी आधी। भाई बहुत पुराना चर्च है ये, कम से कम 140 साल पुराना चर्च। लोग निकल रहे हैं, हम पास जाते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे। शांति बहुत रहती है यहाँ पर, बहुत सुकून। लोग यहाँ पर प्रे कर रहे हैं, साइड में बना हुआ है। और यहाँ पर लोग यहाँ पर कुछ फोटोज वगैरह की क्लिक करवा रहे हैं, फोटो बीच में। थोड़ा आगे तक देखते हैं, चलते हैं। भाई इससे ज़्यादा पास तो नहीं जा सकता मैं, ये बिल्कुल बिल्कुल फ्रंट पे ही आ गया हूँ मैं, बिल्कुल फ्रंट पे। यहाँ पे सब लोग घूमते हैं, ये पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं। और ऊपर से इसकी बैल बज रही है, ये फादर आ गए, फादर सामने कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर भी चेयर्स लगी हुई हैं, लोग यहाँ पर भी जा रहे हैं। और ये यहाँ हम नहीं जा सकते भाई, लोग उधर भी प्रे कर रहे हैं। अच्छा हुआ मैं इधर की तरफ निकल आया। चर्च देख के तो फीलिंग आ रही है जैसे कि लंदन वगैरह में कोई, बाहर से तो ऐसे ही लगता है भाई। लोग यहाँ पे कैंडल जला रहे हैं, छोटी छोटी प्रे कर रहे हैं। यहाँ पर भी लोग प्रे कर रहे हैं। ऊपर की साइड से जाने का रास्ता है, ऊपर की साइड भी जा सकते हैं। कितनी क्यूट बच्ची है, हेलो।
ओके बाय 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 बाय। वो बच्चे कितनी प्यारी थी ना, हाँ हैंडशेक किया, वो आके मेरे को हग करने लग गई, उसने छोड़ा ही नहीं था मेरे को। मैंने उसको बाय बोला जब वो गई मेरे पास से। लोग यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, प्रे कर रहे हैं। भाई 25 तारीख को तो अच्छी खासी भीड़ रहती होगी, 25 दिसंबर को। ये कि उन्होंने एक मॉडल भी बना रखा है इसका, लकड़ी का, बाहर से ऐसा दिखता ही है। ऐसी कुछ बनाई है शायद 1884 वगैरह में, पर ऐसा साइड से दिखता है। ये वाला व्यू दिखता है हमारे हॉस्टल से, ये वाला व्यू जहाँ पे रहता हूँ मैं। इसको टच नहीं करना भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस पर लिखा हुआ है। ये गैलरी है कैसी, हाँ यहाँ से भी निकल सकते, इधर से निकलते हैं बाहर और फिर एक राउंड लगाते हैं इसका आज दोबारा से। वैसे तो उस टाइम पे लगाया था जब ये बंद था, सही है, अच्छा है कि आज प्रेयर भी देख लिया हमने, कितना प्यारा लग रहा है। चलते हैं, इधर से निकल सकते हैं और इधर से निकल सकते हैं। अच्छा आज संडे है तो आज भीड़ भी ठीक है थोड़ी बहुत यहाँ पर। बाहर तो कुछ ऐसा और डी सेंटर बहुत अच्छा दिखता है। हेलो हेलो हेलो, हे हाय हेलो, ओह बाय 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 बाय, ओह वाह वाह। उन्होंने पूछा कि आप हमारी फ़ोटो या वीडियो ले सकते हो, मैंने कहा नहीं, मैं ऑलरेडी कैमरा चालू है भाई, वीडियो ऑलरेडी आपकी इसमें बन रही है। उन्होंने कहा यूट्यूब चैनल, मैंने क्या बताऊँ, नया नया यूट्यूब चैनल है उस पर, वो नाम सर्च करने से भी नहीं आता अभी तो कुछ यूनिक सा नाम रखना पड़ेगा उसका। ये तो मैं पहले दिन भी आया था लेकिन ये बंद पड़ा था अंदर से, मुझे लगा शायद चालू नहीं होगा अब आए, लेकिन अंदर तो शुरुआत अच्छी होगी दिन की। बहुत बढ़िया चर्च, साइड से कुछ ही है ऐसा दिख रहा है। कुछ रखे हुए और ये अपना हॉस्टल साइट, यहाँ पर लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये वाला स्पॉट, ये वाला बिल्कुल इसी के सामने हॉस्टल अपना। बहुत सारी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, बहुत सारे स्टैचूज छोटे छोटे वो भी रखे हुए हैं। फोटोज वीडियोज वगैरह खींचते हैं पूरी की पूरी फैमिली। एक ये दूसरा रास्ता निकलने का, और यहाँ कुछ डोनेशन वगैरह तुम डाल सकते हो जो भी आपको डालनी है।
ये पार्किंग वाले अंकल बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया अंदर जाके। हालांकि पूरी प्रेयर अटेंड नहीं कर पाया, थोड़ी सी प्रेयर अटेंड की, लेकिन मज़ा आ गया, बहुत अच्छा था। शायद हर संडे को यहाँ पर प्रेयर होती होगी। फोटोज वीडियोस खींच। अरे अंकल जी, नो नो नो, ये अंकल मुझे तीसरी बार में नहीं किया, ये भीड़ बेचते रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। और ये मुझे भाई, मैं नशा वगैरह नहीं करता, मुझे भीड़ बेच रहे हो तुम यार। बहुत सारे लोग हैं आज यहाँ, संडे इसीलिए क्यों कहूँ, कार वगैरह क्यों पार्क है यहाँ पर, वो भी इतने पास, तो कुछ ना कुछ हो रहा है या खुला हुआ है। ये वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से प्रिजन म्यूजियम, और यहाँ पर ये कुछ कल वाली दीदी, आज इन्होंने हेड नहीं लगाई हुई है, आज इनकी हेड पता नहीं कहाँ है, ये कुछ तौल के कुछ दे रही हैं। मैं रास्ता देखता हूँ कि मुझे जाना किधर से है। तो उधर से ही चलते हैं, अच्छी खासी भीड़ है आज। मेरे इस वीडियो में बहुत सारे बच्चे कैप्चर हो गए हैं, छोटे छोटे चर्च के अंदर। उस बच्चे पे मैं तो अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, उसको मैंने हेलो किया और उसने मेरे को आगे हक कर लिया। बालकनी की साइड से अगर आप एंटर होंगे तो फिर इस तरीके से कुछ ऐसा व्यू है। अभी कोई नहीं है यहाँ पे, जब आएंगे जब भी आएंगे। तो भाई आप देते हैं आपको अपना रूम टूर, ये अपना रूम 501, इसको पहले करते हैं अनलॉक। ये हो गया अनलॉक, ये हो गया अपना जूतों चप्पल वाला एरिया, ये वॉशरूम, दो बाथरूम, सोप और शैम्पू सेम ऐसे ही है, सोप और शैम्पू के साथ। ये अपना टॉयलेट, ये वॉश बेसिन का एरिया, इस साइड आ गए हमारे बेड, ये दो लोगों के लिए, एक ऊपर है, एक ये है 09 और एक है मेरा बेड 10। यहाँ पर पावर प्लग, ये ब्लैंकेट सामान, और इसमें नीचे रखने का भी है, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें रखा हुआ है अंदर मेरा बैग, और यहाँ पर एक शूज एक्स्ट्रा, दो शूज हो गए ऐसे, ये भी बेड ऊपर भी और यहाँ पर भी, और ऐसे ही बाहर आएंगे तो हम ऑलरेडी, ये फिर बाहर के एरिया, और यहाँ पर हम बैठ भी सकते हैं इधर की साइड। ये बाहर का कुछ नज़ारा, और ये सामने चर्च, और ये नीचे गली, और अपना रूम है 5th फ्लोर पे।
चर्च बहुत अच्छा है। इसको खुला छोड़ देते हैं ऐसे ही। ये आ जाते हैं अपने बेड पे और ये स्टार्टिंग एरिया ये था। ऊपर से अच्छे हैं लाइटिंग और यहाँ पर एक एसी, वैसे एसी की जरूरत अभी है नहीं। चलो भाई ये था अपना एक छोटा सा रूम टूर और ये पड़ा मेरे को 6 रात के लिए, 6 रात, हाँ 6 नाइट, 6 नाइट के लिए $42 का। और इसमें $42 में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, वो बफेट ब्रेकफास्ट है एक्चुअली, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, वेज नॉन वेज वगैरह सब कुछ है उसके अंदर, कॉफ़ी ब्लैक टी और टी वगैरह सब कुछ जो भी। ये वेस्ट और इस साइड सूरज डूबने वाला है, अभी टाइम है ये तो कर 4:30 हो रहे हैं यहाँ पे। चलो मिलते हैं फिर आपसे, बाय।